সমগ্র দেশতে লকডাউনৰ প্ৰভাৱ। লকডাউনৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰিছে জনজীৱন। ত্ৰিপুৰাতো লকডাউনৰ পূৰ্ণ প্ৰভাৱ। লকডাউনৰ বাবে বেংকলৈ আহি পইচা নিব পৰা নাই গ্ৰাহকে। সেই সময়তে লকডাউনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সাধাৰণ ৰাইজৰ সুবিধা হোৱাকৈ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই উত্তৰ ত্ৰিপুৰাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলসমূহত ভ্ৰাম্যমান এ টি এমৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ভ্ৰাম্যমান এ টি এমৰ জৰিয়তে টকা পইচা উলিওৱাত সহায় কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এছ বি আই শাখাই। এনেদৰে জনসাধাৰণক সহায় আগবঢ়োৱা ভ্ৰাম্যমান এ টি এমৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে চৰকাৰী নিৰ্দেশনা মানি সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাই জনসাধাৰণক। সমান্তৰালভাৱে চেনিটাইজাৰো মজুত কৰি ৰাখিছে কৰ্মকৰ্তাসকলে। ত্ৰিপুৰা এছ বি আইৰ শাখাৰ এই পদক্ষেপক শলাগ লৈছে সকলোৱে। मेरा नाम अमित कुमार नाग है। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेशनल पी सी संजीवनी से हूँ। हम लोग अभी ये जो गरीब कल्याण योजना का जितना भी गवर्नमेंट सब्सिडी अकाउंट होल्डर अकाउंट में आया है, सब खातों में आया है। जैसे कि स्टेट बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो, यूनाइटेड बैंक हो, यूनियन बैंक हो, ये लाभ सबको मिला है। ये लाभ के तहत हम लोग अभी गाँव-गाँव में जाके डोर स्टेप बैंकिंग का एक प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हर एक गाँववासी को सुविधा मिल रहा है। इन लोगों को बैंक में नहीं जाना पड़ रहा है। अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इसीलिए गाड़ी भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमने सोचा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक सुविधा गाँववासी को दिया जाए। इसके तहत हम लोग गाँव-गाँव में जाकर कैंपिंग करके पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी तक चार पाँच गाँव में हमने घूम लिया है, लास्ट 10 तारीख से लेके आज तक। अभी तक मुझे जितना याद है, रागना ग्राम पंचायत में ग्रामीण बैंक ऑफ इंडिया का त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का हमने 3,50,000 विड्रॉल सुबह से लेके रात 7 बजे तक हमने दिया था।